आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है, एक पदार्थ की पट्टिका पर प्रकाश की किरण 60 अंश कोण पर आपतित होती है। यदि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत है तो निम्न में से सत्य कथन है। नीचे विकल्प है ए, बी, सी और डी। अब प्रश्न कहता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत है, यह संभव नहीं है। और इसलिए इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। ये आपतित ना होकर के परावर्तित होना चाहिए। ये लंबवत हो सकते हैं, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत हो सकते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण बिल्कुल नहीं हो सकते। और ये नीचे चित्र में आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि पट्टिका है और इसकी एक सतह पर एक प्रकाश किरण ये 60 अंश कोण पर आपतित है, तो अपवर्तन के बाद ये अभिलंब की दूसरी ओर होगी। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए 30 डिग्री बचा, ये आपका 30 डिग्री, तो 90 डिग्री बनाने के लिए हमें इधर 60 डिग्री पर एक रेखा खींचना पड़ेगा, इस तरफ खींचना पड़ेगा, तब तो लंबवत होगा। तो क्या अपवर्तित किरण इस तरफ आ सकता है? अभिलंब के एक ही ओर आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये संभव ही नहीं है। अभिलंब के एक ओर आपतित किरण होती है और अभिलंब की दूसरी ओर अपवर्तित होती है, और इसलिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। अभी जो आपतित किरण है इसका एक अंश यहां से परावर्तित होता है और एक अंश इधर अपवर्तित होता है। ये दोनों अभिलंब के एक ही होते हैं तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो सकता है, ये 90 डिग्री होगा, और इसलिए यहाँ पर आपतित किरण की जगह परावर्तित किरण होना चाहिए। अब ये 90 डिग्री है, इधर का कोण, ये तो आपतन का कोण, परावर्तन का कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए कोण भी 60 अंश होगा। और ये आपका हो गया अपवर्तन का कोण आर। तो आर, 90 और ये 60, ये एक सरल रेखा के एक ओर के कोण है, तो ये सबका योग तो 180 डिग्री होना चाहिए। 60 अंश धन 90 अंश धन आर बराबर 180 अंश, और इसलिए आर बराबर मिल गया 30 अंश, अर्थात यहाँ अपवर्तन का कोण 30 अंश होना चाहिए। तो चलिए इसका अपवर्तनांक भी ज्ञात कर लेते हैं। तो पट्टिका का अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर, तो हो गया साइन 60 बटे साइन 30। साइन 60 होता है वर्गमूल 3/2 और साइन 30 होता है 1/2, तो 2 तो कट गए, तो बराबर आ गया वर्गमूल 3। तो इस पट्टिका का अपवर्तनांक वर्गमूल 3 के बराबर मिलेगा, और इसलिए विकल्प ए 45 डिग्री का रहा है गलत, विकल्प बी 30 डिग्री का रहा है सही है, अपवर्तनांक 3 बोल रहा है गलत, और बी तथा सी दोनों सही कर रहा है, तो बी तो सही है लेकिन सी गलत है, इसलिए भी गलत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, अपवर्तन कोण 30 अंश का मिलेगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।